आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलते हुए सोच के साथ डिजिटल वर्ल्ड के एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड के साथ, जी हां दोस्तों, सबका सपना पूरा करने के लिए एक बेहतरीन और एक सुरक्षित कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्मार्ट क्रेडिट अप। और स्मार्ट क्रेडिट अप लाया है आपके लिए क्रिप्टो की दुनिया में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपने बड़े से बड़े ड्रीम्स को, अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मार्केट के अंदर में लाने के लिए काफी सारी स्टडीज की गई, काफी सारे रिसर्च किए गए, तब जाके फाइनली इस कॉन्सेप्ट को मार्केट के अंदर में उतारा गया है। अगर दोस्तों हम इसके रोड मैप की बात करें तो 2022 के अंदर में इसका कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया था, टेक्निकल चीजों पर काम किया गया था, स्पेसिफिकेशन के ऊपर काम किया गया था, स्मार्ट क्रेडिट अप डिजाइन हुआ था जो हम आगे चल के देखने वाले हैं, और सारी की सारी स्ट्रेटजीज को प्लान किया गया था। और फाइनली दोस्तों 2023 में इस कॉन्सेप्ट को रिलीज कर दिया गया है टेक्निकल वेब सिस्टम के थ्रू, और यहाँ पर इसका नेटवर्क रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, लीगल स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, सोशल मीडिया यहाँ पर इनका रेडी हो चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप भी देखने को मिलने वाले हैं दिसंबर के अंदर में। इसके अलावा दोस्तों 2024 में इनका टारगेट है इनका अपना क्रिप्टो टोकन SCU टोकन को लॉन्च करना मार्केट के अंदर, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करना मार्केट कैप पे और उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल कराना, साथ ही साथ दोस्तों डैप एक्सचेंज लिस्टिंग और स्वैपिंग का भी टारगेट है 2024 के अंदर में। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो भी कार्ड आप एक्टिवेट करने वाले हो वो आपको 2025 के अंदर में फिजिकल फॉर्म में आपके घर पर होम डिलीवरी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इनका जो क्रिप्टो टोकन आने वाला है SCU टोकन, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। SCU टोकन की टोटल सप्लाई 10 करोड़ होने वाली है, जिसमें सर्कुलेशन सप्लाई 6 करोड़, रजिस्टर्ड एग्जिस्टिंग IDO 10%, टीम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, मार्केटिंग 20%, इकोसिस्टम ट्रेजरी फाउंडेशन में 10%, एक्सचेंज लिक्विडिटी में 20 यानी कि 20%, और माइनिंग 4 साल में यहां पर 40% होने वाला है। अब इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर में कितना जबरदस्त तरीके से ये कॉन्सेप्ट हाइप बनाने वाला है। तो अभी से आप तय कर लीजिए कि आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है और ना ही इस कॉन्सेप्ट को अपने हाथ से जाने देना है। अब चलिए दोस्तों पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल 10 टाइप के टाइप्स ऑफ इनकम देखने को मिल जाते हैं, जिनके थ्रू आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकते हो, जैसे कि डेली कैशबैक इनकम, डायरेक्ट इनकम, सुपर अपलाइन इनकम, अपग्रेड डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम, अपग्रेड लेवल इनकम, क्रेडिट अप इनकम, क्रेडिट इन इनकम, टीम अप इनकम, रिवॉर्ड इनकम। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कार्ड एक्टिवेशन के बारे में, जिसको एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आपकी इनकम स्टार्ट होने वाली है। और अभी जो मैंने आपको 10 टाइप के टाइप्स ऑफ इनकम गिनाए हैं, वो सारी की सारी आपकी इनकम यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपको ढेर सारे डिफरेंट टाइप के कार्ड देखने को मिल जाते हैं, और सभी के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग होता है वो ओनली $35 से हो जाता है, जिसका नाम है लाइट कार्ड। और यहाँ पर जो भी पैसे आप कार्ड एक्टिवेशन पे डालते हो वो सारे के सारे पैसे 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, $15 डायरेक्ट इनकम पे, $8 लेवल इनकम पे, $10 क्रेडिट अप इनकम पे और $2 टीम अप इनकम पे। कुछ इस तरीके से सारे के सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनकम्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आता है लेवल इनकम, और लेवल इनकम आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 10th लेवल तक से रिसीव हो जाता है, जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपके कार्ड के अकॉर्डिंग आपको बढ़ते क्रम में इनकम मिल जाती है, यानी कि जितना बड़ा आपका कार्ड होगा उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पर इनकम होगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कार्ड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लाइट कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, डायमंड कार्ड। तो ये सारे के सारे कार्ड के बारे में आगे हम लोग अभी बात करेंगे, फिलहाल हम लोग लेवल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। लेवल वन में आपको लाइट कार्ड पे इनकम हो जाती है $15 की, सिल्वर में $20 की, गोल्ड में $40 की, प्लैटिनम में $80 की, डायमंड में $160 की। उसी तरीके से दोस्तों लेवल टू लेवल थ्री में सेम इनकम हो जाती है लाइट कार्ड में $0.5 की, सिल्वर में $1 की, गोल्ड में $2 की, प्लैटिनम में $4 की और डायमंड में $8 की। उसके बाद दोस्तों लेवल 4 से लेकर लेवल 10 तक, जैसा कि आप ग्राफ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ सेम तरीके से इनकम हो जाती है सारे लेवल्स में। जैसे कि लाइट कार्ड में यहाँ पर आपको लेवल 4 से लेकर लेवल 10 तक $1 की इनकम हो जाती है, सिल्वर में $2 की इनकम हो जाती है, गोल्ड में $4 करके इनकम हो जाती है, प्लैटिनम में $8 करके इनकम हो जाती है और डायमंड में $6 करके इनकम हो जाती है, जैसा कि आप ग्राफ पे यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब फाइनली दोस्तों चलिए हम लोग
बात करते हैं सारे के सारे कार्ड्स के बारे में वन बाय वन करके और उनके फायदे यानी कि इनकम्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आता है लाइट कार्ड, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। यह आप $35 से ओनली एक्टिवेट कर सकते हो और यह पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, $15 डायरेक्ट इनकम पे, $8 लेवल इनकम पे, $10 क्रेडिट अप इनकम पे और $2 टीम अप इनकम पे। और यहाँ पर दोस्तों आपको डेली टू डेली $0.70 का कैशबैक देखने को मिल जाता है। और इसके क्रेडिट अप इनकम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके डाउन पे दो मेंबर आएंगे $10-$10 से और यहाँ पर से आपकी टोटल इनकम हो जाएगी $20 की, जिनमें से क्रेडिट अप पे $10 चला जाएगा। अगेन से दोस्तों आपके डाउन पे चार मेंबर आएंगे $10-$10 से और यहाँ पर से आपकी टोटल इनकम हो जाएगी $40 की, जिनमें से क्रेडिट अप पे चला जाएगा $20 यानी कि $20 और क्रेडिट इन यानी कि आपकी इनकम हो जाएगी यहाँ पे $20 की। उसके बाद दोस्तों आपके डाउन पे फिर से आठ मेंबर आएंगे $20-$20 से और इस तरीके से आपकी टोटल इनकम होगी $160 की, जिनमें से क्रेडिट अप पे चला जाएगा $80 और क्रेडिट इन यानी कि आपकी इनकम हो जाएगी $80 की। उसके बाद दोस्तों अगेन से आपके डाउन पे यहाँ पर 16 मेंबर आएंगे जो कि $80-$80 से आएंगे और यहाँ से आपकी टोटल इनकम बनेगी $1280 की, जिनमें से आपको यहाँ पे क्रेडिट अप पे कुछ भी नहीं देना है। ये टोटल आपकी इनकम हो जाएगी $1280 की सिर्फ यहाँ से। और इस तरीके से सारे इनकम को यहाँ पे क्रेडिट अप इनकम को कैलकुलेट करें तो ये $1390 यहाँ पर आपके टोटल इनकम बनते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके टीम अप इनकम की बात करते हैं, तो रैंक वन में 2+4 मेंबर करके टोटल 6 मेंबर आएंगे और इससे आपकी इनकम होगी $12 की। रैंक टू में आपके पास में 8+16 मेंबर करके टोटल 24 मेंबर आएंगे और इनसे आपकी इनकम होगी $48 यानी कि $48 की। रैंक थ्री में टोटल आपके पास में 32+64 मेंबर करके टोटल यहां पे 96 मेंबर हो जाएंगे और इनसे आपकी इनकम होगी $192 की। रैंक फोर में टोटल यहां पे 384 मेंबर आएंगे जिनसे आपकी इनकम होगी $786 की। और रैंक फाइव में आपके पास में यहां पर टोटल 1536 मेंबर आएंगे जिनसे आपकी इनकम बनेगी $3072 की। और इन सारे इनकम को कैलकुलेट करें तो यहां पर आपकी टोटल इनकम बनती है सिर्फ और सिर्फ टीम अप इनकम से $4092 की। तो ये आपके पास में एक जबरदस्त मौका है यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में यूनिक इनकम करने का। और ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म नहीं होता है, अभी धमाकेदार तरीके से नेक्स्ट कार्ड के सारे इनकम बाकी हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों सिल्वर कार्ड, जो कि $80 से अपग्रेड होगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनकम सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। $20 डायरेक्ट अपग्रेड इनकम पे, $20 सुपर अपलाइन इनकम पे, $16 लेवल इनकम, $20 क्रेडिट अप इनकम और $4 टीम अप इनकम पे। और यहाँ पर जो आपको डेली टू डेली कैशबैक मिलेगा वो $1.60 मिलेगा, जिसको अगर परसेंटेज में बात करें तो 2% निकल के आएगा। अब इसके क्रेडिट अप इनकम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दो मेंबर आएंगे $20-$20 से, टोटल हो जाएंगे यहाँ पर $40, जिनमें से क्रेडिट अप पे चला जाएगा $20 यानी कि $20 और यहाँ पर क्रेडिट इन यानी कि आपकी इनकम हो जाएगी $20 की। उसके बाद दोस्तों चार मेंबर आएंगे फिर से $20-$20 से और टोटल यहां पर आपकी इनकम बनेगी $80 की, जिनमें से क्रेडिट अप पे चला जाएगा $40 और क्रेडिट इन यानी कि आपकी इनकम हो जाएगी $40 की। उसके बाद दोस्तों आठ मेंबर आएंगे $40-$40 से और यहां पर से आपकी टोटल इनकम बन जाएगी, जिनमें से क्रेडिट अप पे चला जाएगा $160 और आपकी जो एग्जैक्ट इनकम बचेगी वो $160 की बचेगी। उसके बाद अगेन से दोस्तों आपके पास में 16 मेंबर आएंगे और ये आएंगे $160 करके पर मेंबर और यहां से आपकी टोटल बनेगी $2560, जिनमें से आपको क्रेडिट अप पे कुछ भी नहीं देना और ये सारे के सारे आपके इनकम में गिने जाएंगे यानी ये टोटल आपकी इनकम होगी। और इस तरीके से यहाँ पर से टोटल क्रेडिट अप इनकम आपकी बनती है $2780 की। उसके बाद दोस्तों इसके टीम अप इनकम की बात करते हैं, तो यहाँ पर रैंक वन में 2+4 टोटल 6 मेंबर से आपकी टोटल इनकम होगी $24 की। उसके बाद रैंक टू में 8+16 टोटल 24 मेंबर होते हैं जिनसे आपकी इनकम होगी $96 की। रैंक थ्री में 32+64 टोटल 96 मेंबर होंगे जिनसे आपकी टोटल इनकम होगी $384 की। इसी तरीके से करके आप ग्राफ पे देख पा रहे हैं मेंबर सारे के सारे लगभग सेम ही कैलकुलेट होंगे, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर रैंक फोर में आपकी इनकम होगी $1536 की, रैंक फाइव में आपकी इनकम होगी $6144 की। और ये सारे के सारे टीम अप इनकम को कैलकुलेट करके टोटल इनकम निकाला जाए तो यहाँ पर आपकी टोटल इनकम बनती है $8184 की। नेक्स्ट आता है दोस्तों गोल्ड कार्ड, जो कि $160 से अपग्रेड होगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। $40 डायरेक्ट अपग्रेड इनकम, $40 सुपर अपलाइन इनकम, $32 लेवल इनकम, $40 क्रेडिट अप इनकम और $8 टीम अप इनकम। और यहाँ पर दोस्तों डेली जो आपका कैशबैक बनेगा 2% के हिसाब से यहाँ पर डेली बनता है $3.20 यानी कि $3.20। अब यहाँ पर इसके क्रेडिट अप इनकम की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज ध्यान देना जरूरी है,
है। जितने भी कार्ड हैं सारे में ही मेंबर सेम तरीके से काउंट होंगे, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। बस यहाँ पे इनकम का डिफरेंस रहेगा, इनकम आपके बढ़ते क्रम पे होगी, जैसा आपका कार्ड रहेगा वैसी आपकी यहाँ पर इनकम होगी। तो शुरू में यहाँ पे 2 मेंबर से आपकी टोटल इनकम बनती है $80 की, जिनमें से क्रेडिट अप पे चला जाता है 40 यानी कि $40 और क्रेडिट इन यानी कि यहाँ पर इनकम हो जाती है आपकी $40 की। दूसरे में 4 मेंबर से आपकी इनकम होती है $160 की, जिनमें से $80 क्रेडिट अप पे चला जाता है, $80 आपकी इनकम हो जाती है। उसके बाद 8 मेंबर से आपकी इनकम होती है $640 की, जिनमें से $320 चला जाता है क्रेडिट अप पे और $320 आपकी क्रेडिट इन यानी कि इनकम हो जाती है। उसके बाद 16 मेंबर से आपकी टोटल इनकम होती है $5,120 की, जिनमें से क्रेडिट अप के लिए कुछ भी नहीं देना, ये एक्यूरेट एग्जैक्ट आपकी इनकम हो जाती है। और सारे के सारे क्रेडिट अप इनकम को मिलाए तो यहाँ पर से आपकी टोटल इनकम बनती है। अब इसके टीम अप इनकम की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट अप में जिस तरीके से मेंबर सेम तरीके से काउंट होते हैं, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, उसी तरीके से टीम अप इनकम पे भी सेम तरीके से मेंबर काउंट होते हैं, बस इनकम आपकी बढ़ते क्रम पे होगी। जैसा आपका कार्ड होगा उस तरीके से आपकी यहां पर इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर रैंक 1 से आपकी टोटल इनकम होती है $48 की, रैंक 2 में आपकी टोटल इनकम होती है $192 की, रैंक 3 में आपकी इनकम होती है $768 की, रैंक 4 में आपकी टोटल इनकम होती है $3,072 की और रैंक 5 में आपकी टोटल इनकम होती है $12,288 की। और इन सारे के सारे टीम अप इनकम को कैलकुलेट करें, टोटल इनकम निकाले, तो यहाँ से आपकी टोटल इनकम बनती है $16,368 की, जिसको अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट निकल कर आपके सामने आएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कार्ड है प्लैटिनम कार्ड, जिसको आप 320 यानी कि $320 से अपग्रेड कर सकते हो और कुछ इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। $80 डायरेक्ट अपग्रेड इनकम, $80 सुपर अप्लाइन इनकम, $64 यानी कि $64 लेवल इनकम, $80 क्रेडिट अप इनकम और $16 टीम अप इनकम। और यहाँ पर जो आपको डेली कैशबैक मिलता है 2% के हिसाब से, वो मिलता है 6.40 यानी कि $6.40। अब इसके क्रेडिट अप इनकम की बात करते हैं दोस्तों, तो शुरू में यहाँ पर 2 मेंबर से आपके टोटल बनते हैं $160, जिनमें से क्रेडिट अप पे चला जाता है $80 और यहाँ पर क्रेडिट इन यानी कि इनकम हो जाती है $80 की। उसके बाद 4 मेंबर से यहाँ पर आपको बनते हैं $320, जिनमें से $160 चला जाता है क्रेडिट अप पे और यहाँ पर क्रेडिट इन यानी कि इनकम हो जाती है $160 की। उसके बाद दोस्तों 8 मेंबर से आपके बनते हैं $1,280, जिनमें से $640 चला जाता है क्रेडिट अप पे और $640 यहां पर आपकी इनकम हो जाती है। उसके बाद 16 मेंबर से यहां पर आपकी टोटल इनकम होती है $10,240 की और यहां पर क्रेडिट अप पे आपको कुछ भी नहीं देना है, कोई भी कट नहीं होगा, यह आपकी एग्जैक्ट इनकम होगी यानी कि $10,240 16 मेंबर से आपकी टोटल इनकम होगी। और क्रेडिट अप इनकम को टोटल कैलकुलेट करें सिर्फ इसके, तो यहां पर आपकी टोटल इनकम बनती है $11,120 की। अब इसके टीम अप इनकम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर रैंक 1 में आपकी इनकम हो जाती है $96 की, रैंक 2 में आपकी इनकम हो जाती है $384 की, रैंक 3 में आपकी इनकम हो जाती है $1,536 की, रैंक 4 में आपकी इनकम हो जाती है $6,144 की और रैंक 5 में आपकी इनकम हो जाती है $24,576 की। और ये सारे के सारे टीम अप इनकम को प्लस करें यानी कि सारे के सारे इनकम को जोड़ दे तो यहाँ पर आपकी टोटल इनकम निकलती है $32,736 की। इसके बाद दोस्तों आता है लास्ट कार्ड यानी कि डायमंड कार्ड, और इसको आप $640 से अपग्रेड कर सकते हो और ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होंगे, $160 डायरेक्ट अपग्रेड इनकम, $160 सुपर अप्लाइन इनकम, $128 लेवल इनकम, $160 क्रेडिट अप इनकम और $32 टीम अप इनकम। और यहाँ पर जो डेली कैशबैक आपकी बनेगी वो $12.80 यानी कि $12.80 की बनेगी। अब इसके क्रेडिट अप इनकम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 मेंबर से आपको शुरू में बनेंगे $320, जिनमें से $160 क्रेडिट अप पे चला जाएगा और $160 आपकी इनकम हो जाएगी। उसके बाद 4 मेंबर से आपके टोटल बनेंगे $640, जिनमें से $320 क्रेडिट अप पे चला जाएगा और $320 आपकी इनकम हो जाएगी। उसके बाद 8 मेंबर से $2,560 बनेंगे, जिनमें से $1,280 क्रेडिट अप पे चला जाएगा और यहाँ पर आपकी इनकम होगी यानी क्रेडिट इन $1,280 की। उसके बाद 16 मेंबर से आपकी यहाँ पर टोटल इनकम बनेगी $20,480 की, इनकम इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट अप में कुछ भी नहीं देना है, ये टोटल आपकी इनकम होगी। और ये सारे के सारे क्रेडिट अप इनकम को जोड़े तो ये टोटल हो जाता है $22,240, जिसको अगर आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट कर दे तो बस मजा आ जाएगा, बहुत बड़ी इनकम निकल के आपके सामने आने वाली है। साथ ही दोस्तों इसके टीम अप इनकम की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर रैंक 1 में $192 की इनकम होगी, रैंक 2 में $768 की इनकम होगी, रैंक 3 में
$3,072 की इनकम होगी, रैंक फोर में $12,288 की इनकम होगी और रैंक फाइव में आपकी यहाँ पर टोटल इनकम होगी $49,152 की। और ये सारे के सारे इनकम को अगर हम कैलकुलेट कर दे तो यहाँ पर टोटल इनकम बनती है $65,472 की। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। आप जो कार्ड यहाँ पे बाई करोगे, एक्टिवेट करोगे, उसके लिए बस आपको यहाँ पर पैड करने हैं और वो आप USDT में कर सकते हो TRC20 के थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पर आपको P2P वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। ओनली आप यहाँ पर मिनिमम $10 से P2P कर सकते हो। मिनिमम विड्रॉ ओनली यहाँ पर $20 का रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप डेली विड्रॉल कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर इंस्टेंट के इंस्टेंट विड्रॉल मिलेगा। P2P की बात करें दोस्तों, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर, तो यहाँ पर जीरो चार्जेस लगेंगे, विदाउट चार्ज यहाँ पर आप P2P कर सकते हो। विड्रॉल चार्ज यहाँ पर ओनली 15% कट होगा, जो कि और प्लानों के मुकाबले में बहुत कम है। दो डायरेक्ट रेफरल नेसेसरी है, यानी कंपलसरी है यहाँ पर विड्रॉल करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर हर कार्ड की टोटल इनकम के लिए भी दो डायरेक्ट रेफरल करने कंपलसरी हैं। और यहाँ पर जो रिवॉर्ड अवार्ड रखा गया है, जो इनकम रखा गया है अवार्ड एंड रिवॉर्ड का, वो आपको हर मंथ यहाँ पर बताया जाएगा, वो भी टेलीग्राम के थ्रू। तो यह था दोस्तों पूरा का पूरा सिस्टम। अगर आपको इसके अलावा कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।